नमस्ते, मेरा नाम उज्जवल कुमार है। आप देख रहे हैं गार्डनर दोस्त। आज आपको हम बताएंगे पेंसिल लगाने का विधि। इसमें दो प्रकार के आते हैं, एक छोटा वाला जो एकदम छोटा छोटा होगा, और ये बड़ा वाला है हाइब्रिड। इसमें मल्टीपल कलर में आते हैं। इसका सबसे अच्छा हमें ब्लू वाला लगता है, और रेड वाला कोको कोला टाइप का, आपको जो अच्छा लगे। इसमें मल्टीपल कलर में आते हैं, ये देखने में तितली के तरह लगता है, अलग से आपको दिखाई देगा तितली के तरह। आप इसे अभी गमला में ग्रो कर सकते हैं। एक गमला में 3-4 प्लांट लगाएं, जिससे ये अच्छा दिखने में लगे। ऐसे 1-2 प्लांट भी लगा सकते हैं, लेकिन 3-4 रंग का लगाइएगा तो और अच्छा लगेगा। आप इसे नर्सरी से अभी ला सकते हैं। आपको ये नर्सरी में 20 या 25 रुपए में 2 या 3 प्लांट मिल जाए, या 10 रुपए में भी मिल जाएगा। आप इसका अभी सीड नहीं लाएं। सीड अगर आप अगस्त में देख रहे हैं वीडियो, तो अगस्त में मंगवा सकते हैं, या अगले साल के लिए आप ला सकते हैं। अगले साल लगा सकते हैं, इसलिए अभी लाएं। और कलर आप मैच करके उसी का सीड कलेक्ट करके रख लें, और अगले साल लगाने के लिए रख सकते हैं। अगर आप रखना चाहते हैं, नहीं तो अगले साल इसका नाम लिख के रख लीजिए। इसे मैं एक यूट्यूब पे विंटर फ्लावर का एक वो प्लेलिस्ट बनाया है, उसी में हम ये सब वीडियो डालेंगे। आप उसमें से खोज के देख सकते हैं। इसमें ज़्यादातर ये देखिए कितना सुंदर पीला वाला है, ये बैगनी कलर मतलब ब्लू कलर वाला कितना अच्छा है। आप इसे 25% रेत, 25% वर्मिंग कंपोस्ट, 50% गार्डन सॉइल में एक गमला 5 इंच वाला लीजिए, उसमें 2 या 3 प्लांट लगाइए। देखिए प्लांट का जगह जितना बड़ा हो, या आप गमला एक खरीद लीजिए जिसमें 4-5 प्लांट लगा हुआ हो, उससे भी आपका प्लांट लग जाएगा। आप इसका मल्टीपल कलर का प्लांट ला सकते हैं, वो भी हो सकता है। आप इसका छोटा छोटा पाउच अभी ले आए और उसे रखे रहें, ये प्लास्टिक वाला ही, और उसे रखे रहें, उससे भी आपको प्लांट हो जाएगा। आपको इसे लगाने में इसे 8 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है। जितना धूप अच्छा रहेगा, उतना ही ये अच्छा प्लांट ग्रो होगा। अभी लगाएंगे तो अभी ही ग्रो हो जाएगा। इसका इजी टू ग्रो होता है। हम क्राफ्ट सीड वाले से इसका सीड मंगवाए थे, अभी क्राफ्ट सीड वाले से मंगवा सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल बटन दिखाई दे रहा है वो उससे सब्सक्राइब कर दें। ये इसका प्लांट बहुत अच्छा होता है, ये तितली की तरह दिखाई देता है। इसमें आपको रोजाना में एक बार ही पानी दें, ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। ज़्यादा पानी दीजिएगा तो फंगस लगने का डर रहता है। इसका प्लांट जब एक प्लांट में एक फूल आएगा, एक बार में बंच में फ्लावर भी आते हैं, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप एक जगह रोपे तो लगाए तो 4-5 लगाए, जिससे देखने में अच्छा लगे। हम तो एक जगह छोटा वाला भी लगाए हैं, अगली बार जब वीडियो बनाएंगे तो वो छोटा वाला भी बता देंगे। इसका केयर करने का विधि है जो आप इसका जब सीड आप थोड़ा पीला टाइप का देखें इसका, तो वो सीड कलेक्ट करके रख लें, नहीं तो आपका तुरंत सीड इसका नीचे लुढ़क जाता है फट के। आप ये देखते रहें जो नीचे नहीं गिरे, मतलब सीड खराब तुरंत पकेगा, उसके बाद वो सीड अलग हो जाता है प्लांट से। आप देखते रहें, सीड जब बने थोड़ा पीला हो तो आप उसे रख लें, जैसे आपको अगले साल के लिए सीड हो जाए। हम तो वही करेंगे, अगले साल के लिए कलेक्ट करके रख लेंगे, अभी रख लें।
नहीं तो सीट अगले साल लगाना तो क्राफ्टसीट वाले से जो लिंक देंगे उससे खरीद लीजिए। आप इसको केयर करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। आप इसको वर्मिंग कंपोस्ट 15 दिन पे देते रहें। अगर आप इसे सरसों की खली का खाद बनाना चाहेंगे तो उसे फुला के आप इसको उसी का पानी देते रहें, जिससे इसका फ्लावर ज़्यादा से ज़्यादा आए। यह 20 अप्रैल तक फ्लावर देंगे, इसलिए आपको इसका कोई ज़्यादा जब ज़्यादा रौद मतलब धूप होने लगेगा तो उसके बाद ये फ्लावर देना बंद कर देंगे। अगर कम धूप में तो ये फ्लावर देते ही रहेंगे। आप इसे अभी लगाएं, नहीं तो आप नर्सरी से लाके ही लगा सकते हैं अगर आप नहीं लगाए हुए हैं तो। अगर लगाए हुए हैं तो इसे ठीक है, अगर नहीं लगाए हुए हैं तो नर्सरी से खरीद के ला सकते हैं। इसका सीड अभी नहीं लगाएं, नहीं तो ये सीड जब तक प्लांट बनेगा तब तक सीजन ही चला जाएगा। यह सब सीजनल प्लांट आते हैं। आप अगर इसका कलर मैच करना मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए।